Hello everyone. So in this video, I am going to discuss the statement problem of linear programming. So from this topic, you will get one question of 6 marks. And that is always a statement question, and sometimes it gives you this equations, in equations. तो ये कैसे करना है, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूं कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम यहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए क्यों जरूरत है। उसके बाद में मैं आपको कितने तरह के प्रॉब्लम हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं और उसी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमेशा किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट या किसी रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस के अंदर में हम लोग किसी भी चीज के पोटेंशियल, मतलब उसका हाईएस्ट या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक मेथड है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक जगह है जहां पे मैं चेयर्स एंड टेबल्स रख सकता हूं। तो टेबल्स मेरे पास में, जैसे मान लीजिए आपके पास जो टेबल्स रखने के लिए, मेरे पास अराउंड 1000 टेबल्स रखने के लिए जगह है और 800 चेयर्स रखने के लिए जगह है। मेरे पास में मान लीजिए 10 लाख रुपया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक टेबल का कॉस्ट मान लो 500 रुपया है, चेयर का कॉस्ट 300 रुपीज है। प्रॉफिट अगर टेबल में मेरा 50 रुपीज है और चेयर में मेरा मान लो 80 रुपीज है, तो उस तरीके से मैं कितने टेबल चेयर्स लाऊं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का तरीका। तो बेसिकली इसमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग के पहले एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर इनइक्वालिटीज दिया होता है, जिसको हम लोग लीनियर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करके ग्राफ बना के शेड करके बाउंडेड और अनबाउंडेड का सॉल्यूशन निकालना आता होगा। मैं उससे आगे जा रहा हूं जिसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा और स्टेटमेंट क्वेश्चन से मुझे वो सारे इनइक्वालिटीज या लीनियर कॉन्स्टेंट और साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकालना है, उसका निकालने का तरीका। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये इक्वेशन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो इसलिए मैं इसको एक अलग तरीके से बताऊंगा सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट हाउ टू राइट द इक्वेशन। और इक्वेशन लिखते समय उसका एक टेक्निक है, और टेक्निक पता होगा तो आप यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये लीनियर जो हम लोग का प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर वी कैन यूज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 3 तरीके का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 जिसको हम कहते हैं डाइक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से हम लोग उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। तो डाइट प्रॉब्लम में भी आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा डाइट प्रॉब्लम क्या है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के लिए जो खर्चा है, वो खर्चा हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सो तीनों तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले डाइट प्रॉब्लम करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ चीजें हाईलाइट कर दूंगा कि उस क्वेश्चन में अगर वो चीज आप लोग को ढूंढना होगा और वो ढूंढने के बाद में आपको उसको अंडरलाइन करके उससे आगे समरी लिखना होगा। कि इसके क्वेश्चंस दे आर ऑलमोस्ट 5 to 6, 7 लाइंस, समटाइम्स 8 लाइंस लंबा क्वेश्चन होता है। तो इसी वजह से उसमें जब क्वेश्चन में हम लोग डाटा या इनइक्वालिटीज जब बनाना शुरू करेंगे, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड, जो हम लोग को वैल्यू निकालना है ना, वो वैल्यू निकालते समय वी फाइंड इट डिफिकल्ट कहां पे है, एंड समटाइम्स वी पिक द रॉन्ग वैल्यू। तो इसलिए उसका समरी करना जरूरी है, और समरी करते समय भी इफ यू अरेंज इन ए बेटर मैनर तो आपको एक ही लाइन में आप इक्वेशन लिख सकते हैं। सो स्टार्ट विथ डाइट प्रॉब्लम। ये डाइट प्रॉब्लम लेट्स से सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन आई चूज दिस क्वेश्चन बिकॉज यहां पे मैं आप लोगों को इजीली बता सकता हूं
या एक तरीका सिखा सकता हूं जिससे आपको बाकी क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगा। तो वो मैं डिस्कशन में सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं, वह है आपका डाइट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, ये डाइटिशियन जो क्वेश्चन है इसमें डाइट का डाइट प्रॉब्लम जो है, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन कॉन्टेंट्स ऑफ द मिक्सचर कॉन्टेंट्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो क्या है, एक डाइटिशियन है, वो क्या कर रहा है, वो दो अलग अलग तरीके का फूड मिक्स करना चाहता है। मिक्स करने के बाद में उस मिक्सचर में मिनिमम एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना पड़ेगा एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी होना पड़ेगा। ये है रिक्वायरमेंट उस मिक्सचर में, दोनों फूड मिलाने के बाद में जो मिक्सचर बनेगा तो उसमें इतना कंटेंट होना पड़ेगा। उसके बाद में वो जो दोनों फूड मिक्स करने वाला है उसमें से एक है फूड वन। तो फूड वन में क्या है, फूड वन कॉन्टेंट्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी। मतलब फूड वन में 2 यूनिट्स पर केजी, मतलब 1 केजी में 2 यूनिट्स विटामिन ए होगा पर केजी, 1 केजी में, एंड विटामिन सी होगा 1 यूनिट पर केजी। फूड टू, तो सेकेंड फूड है, दो को मिक्सचर करना है, टू फूड्स आर मिक्स्ड, कंटेंस 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी। एंड इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड वन, फूड वन खरीदते समय ₹50 पर केजी का कॉस्ट है और फूड टू खरीदते समय ₹70 पर केजी का कॉस्ट है। तो बोल रहा है फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एलपीपी, एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चेंज करके टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर, मतलब मैं ये 70 पर केजी जो है, 70 पर केजी अगर मैं ये पूरा का पूरा ले लूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर मेरे को इतना विटामिन 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी लेना होगा, तो इस वजह से अगर मैं इसको लूंगा तो विटामिन कंटेंट का रेशियो मैच नहीं भी कर सकता है, या मेरे को क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगा। मान लो मैंने ₹50 पर केजी वाला यूज कर दिया, तो जितना मेरे को विटामिन चाहिए उतना विटामिन लेने के लिए मेरे को ज्यादा क्वांटिटी का सामान लेना पड़ेगा और 50 पर केजी करके मेरे को कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे यह ख्याल रखना है कि मेरे को मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इन एवरी क्वेश्चन देयर विल बी एटलीस्ट एट द मोस्ट ऐसे कह के कुछ वैल्यू दिया होगा, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज का हर क्वेश्चन में होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते समय भी बताऊंगा कि कैसे वो इनडायरेक्टली भी आपको दिया हो सकता है। तो एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स, ये एटलीस्ट वर्ड जो है ये बता रहा है मिनिमम। मिनिमम क्या है, ये हिस्सा मिनिमम है। तो सबसे पहले आपको पूरा जो ये स्टोरी है या ये जो स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो आपको समझना है। उसके बाद में आपको ये ढूंढना है कि किसका मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है और उसको आप लोग यहां पे शॉर्ट में लिख लो। सो मिनिमम विटामिन ए रिक्वायर्ड कितना, 8 यूनिट्स। हमेशा किसी भी चीज का मिनिमम मैक्सिमम जो क्वेश्चन में दिया है आप उसको ढूंढो, उसको अलग से लिख लो। एंड मिनिमम विटामिन सी रिक्वायर्ड
इक्वल टू 10 यूनिट्स, मिनिमम विटामिन सी 10 यूनिट्स चाहिए, ये मैंने यहां से ले लिया। सो मैं सारे डाटा को अरेंज कर लूंगा यहां पे, और अरेंज करने के बाद में मेरे को क्वेश्चन से ये सब डाटा उठाने का जरूरत नहीं, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक। फूड वन का वैल्यू लेना था, फूड टू का ले लूंगा, क्योंकि इतना सारा वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। सो इट्स बेटर ऑलवेज मेक ए समरी, और समरी बनाते समय इफ यू अरेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर यू विल फाइंड दैट दैट विल बी इजियर टू मेक द इक्वेशन, और इक्वेशन बनाने में आसानी होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, मिनिमम मैक्सिमम क्या दिया हुआ है वो आइडेंटिफाई किया, मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद में आप यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको या क्या क्या चीजें यहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे आपने सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा एक चीज दिया हुआ है विटामिन ए, आपको सुनाई दे रहा है विटामिन सी, उसके बाद में फूड वन एंड फूड टू, ये चार चीजें यहां पे रिपीट हो रहे हैं। तो इन चार चीजों में से ये फाइंड आउट किसका मिनिमम मैक्सिमम मेरे को दिया हुआ है, तो मैंने पहले से चेंज किया हुआ है विटामिन ए एंड विटामिन सी का। सो विटामिन ए एंड विटामिन सी का मेरे को मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, तो क्या बच गया, फूड वन एंड फूड टू। अब फूड वन और फूड टू उसको हमको एक्स और वाई लेना है, तो एक्स एंड वाई इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज डिनोट्स द क्वांटिटी, तो ये हमेशा क्वांटिटी में होता है, आइदर इट विल बी इन केजी, ये ग्राम में होगा या नंबर्स में होगा, तो ये आपको ख्याल रखना है। तो इसमें मेरे को क्या लेना है, तो यहां मैं देखूंगा कि जो मेरे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो वन यूनिट पर केजी, टू यूनिट पर केजी, तो केजी हिसाब में है, इसलिए ये हमेशा क्वांटिटी होता है, एक्स एंड वाई इज ऑलवेज क्वांटिटी, जो वेरिएबल होगा वो दैट इज ऑलवेज क्वांटिटी। सो मैं लिखूंगा लेट, किस किस को लेना होगा, फूड वन एक्स और वाई, इट्स अ क्वांटिटी, लेट एक्स केजी ऑफ फूड वन एंड वाई केजी ऑफ फूड टू आर मिक्स्ड, तो ये जो आपका मिनिमम मैक्सिमम दिया होगा उसको यहां लिखा हुआ है, उसको छोड़ने के बाद में जो बच जाएगा वट एवर इज लेफ्ट दैट विल बी एक्स एंड वाई, दे आर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज में तो क्वांटिटीज केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, और इनकेस नंबर्स भी हो सकता है। सो यहां पे वी आर वी कैन सी इट इज वन यूनिट पर केजी, सो दैट विल बी इन केजी। उसके बाद में यह करना होगा मेक ए टेबल, इस टेबल में यू मेक टू कॉलम्स एंड द थर्ड वन इज फॉर वेरिएबल, इसमें हम कुछ चीजें लेंगे, और ये जब सेपरेट करेंगे दैट विल बी ऑलवेज एक्स एंड वाई, जो मैंने लिया हुआ है उसको मैं यहां पे लिखूंगा। सो एक्स लिया हुआ मैंने फूड वन, सो ये होगा मेरा फूड वन, ये होगा मेरा एक्स के जी, तो हमेशा ये टेबल में एक्स और वाई जो जो क्वांटिटी मैंने लिया है उन दोनों को अलग करूंगा, दैट विल बी फूड टू वाई के जी, ऐसे लिख लेते हैं। अब फूड वन का क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फूड वन का इंफॉर्मेशन है दैट इज टू यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, तो मतलब विटामिन ए का दिया हुआ है टू यूनिट्स पर केजी, एंड वन यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी का दिया हुआ है वन यूनिट पर केजी। फूड टू कंटेन्स वन यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, वन यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड टू यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी,
अंदर फूड बन का और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? अगर है विल राइट इट देयर। तो फूड बन का भी एक इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? इट सेज इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड बन। सो मतलब कॉस्ट ₹50 पर केजी फूड वन का। ये फूड वन का है, ये फूड टू का है ₹70 पर केजी। नाउ हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड हियर। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट आपको यह देखना होगा, इन एवरी क्वेश्चन दे विल आस्क यू टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ समथिंग। हर क्वेश्चन में किसी भी एक चीज का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपको ढूंढने के लिए कहेगा। तो यह आपको पता चलेगा हमेशा एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन। यह हमेशा लास्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो मुझे यह पता चल गया कि मेरे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए मिक्सचर का। नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन। देन इक्वेशन राइटिंग इज वेरी इजी। इसे अगर आप ऐसे अरेंज करेंगे दैट इट विल बी वेरी इजी। सो व्हाट आई विल डू, आई रब दिस पार्ट बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा लंबा होता है एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव ऑल दीज थिंग्स ऑन द सिंगल बोर्ड। एक ही बोर्ड में सारे इंफॉर्मेशन, दैट इज डिफिकल्ट टू राइट। सो दिस इज द रीजन मैं इसको रफ कर रहा हूं, बिकॉज नाउ आई हैव समरी आई कैन राइट द इक्वेशन इजी। अब ऑलवेज व्हेन यू राइट द इक्वेशन योर इक्वेशंस विल बी सेपरेटेड, मतलब अलग अलग इक्वेशन लिखना होगा जिसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दिया, विटामिन ए का एंड विटामिन सी का। जिसका मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होगा, मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसका इक्वेशन हमारा बनेगा। सो वन बनेगा फॉर विटामिन ए, एक बनेगा मेरा विटामिन सी के लिए, और एक और इक्वेशन रहेगा दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हर क्वेश्चन में होगा, इन एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये हो गए। और अदरवाइज यू कैन थिंक इन दिस मैनर, एक्स एंड वाई क्या था, एक्स के जी ऑफ फूड वन, सो एक्स इज ए क्वांटिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, क्वांटिटी नेगेटिव हो नहीं सकता है। सो दैट्स व्हाई ये हमेशा आपको लिखना है हर क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन। नाउ विटामिन ए, मुझे चाहिए मिनिमम विटामिन ए 8 यूनिट्स। तो अगर मैं इसका एक्स केजी ले रहा हूं ऑफ फूड वन, तो यहां से 2 यूनिट्स पर केजी, मतलब 1 केजी में 2 यूनिट्स है। एक्स केजी में कितना यूनिट होगा, यू कैन सी इन दिस मैनर, एक्स केजी में होगा 2x। उसके बाद में और विटामिन ए फूड टू में कितना था, वाई के जी, वन यूनिट ऑफ वाई के जी, सो वन इंटू वाई। और मिक्सचर में दोनों ऐड, दोनों को मिक्स किया तो उसका विटामिन कंटेंट प्लस करना है हमको ऐड, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू शुड बी 8। तो इसका मतलब है इफ वी मिक्स इट then the mixture can contain more than 8. तो 8 से ज्यादा होगा then we have no problem, but it should not be less than 8. So this value can be greater than equal to 8. You can see 2 units, 1 unit equal to yola. Another for vitamin C. तो vitamin C का क्या होगा, x into 1, 1 unit per kg. तो x kg लिया है तो ये हो गया x प्लस 2y, इसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 10, ये मिक्सचर का।
एंड दिस इज लीनियर कॉन्स्टेंट्स. तो ये लीनियर कॉन्स्टेंट होगा. तो आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने देखा था कि आपने हमेशा उस एक्सरसाइज में आपको ऐसे इनइक्वालिटीज दिया होता है. यू मेक ग्राफ, यू शेड इट, यू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स और उसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना होता है. सो द होल प्रोसेस विल बी सेम. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो ग्राफ मेकिंग, ग्राफ एंड ऑल दीज थिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. I'll just make the equation and I'll show you different type of question to make the equation. और बाकी आप लोगों का graph का part है, you can do it yourself. So linear constant is over. In an every question there is an objective function. और ये objective function क्या होगा ये देखने के लिए that has to you has to go to the last line of the question. The last line of the question क्या था, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर. मिनिमाइज, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर. आपने पहले उसको जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड बोल के कहा था. यू कैन यूज जेड इफ यू वांट, यू कैन यूज सी दैट इज ऑन यू, वो आपके अपने ऊपर है. यू कैन डू इट योर सेल्फ. सो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज जेड. तो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कितना होगा, फ्रूट वन मैंने कितना मिक्स किया है एक्स केजी, वन केजी का दाम है 50, तो 50x होगा एक्स केजी का. और फ्रूट टू है 70 पर केजी, उसका किया मैंने वाई, तो प्लस 70y. तो ये हो गया मेरा मिक्सचर का टोटल कॉस्ट. तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो ये है लीनियर कॉन्स्टेंट और इसका मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालना है. ये है प्रोसेस इक्वेशन बनाने का. अभी ये डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, उसका बेसिक चीज एक ही है. सो आई विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन कैसे इक्वेशन बनाना है एंड आफ्टर दैट आप लोगों को मैं खुद ये ग्राफ पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा. तो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाता हूं और प्रोबेबली ये आपको समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2. तो मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन दिखाया द सेम प्रिंसिपल विल यूज एंड दिस इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बट इफ यू यूज द सेम प्रिंसिपल, अगर सेम तरीके से हम लोग सोचें वी कैन मेक इक्वेशन ऑफ दिस सिमिलर मैनर. फिर हमको नया एक तरीका सोचने का या देखने का जरूरत नहीं है. तो क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन का मेरा एक रीजन था, वो था कि इस क्वेश्चन को मैं देखना चाहता कि आप लोगों को थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है. मैंने कहा था कभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इनडायरेक्टली दिया होगा, तो दिस इज वन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सोचना है, दैट वी विल डिस्कस हियर. तो क्वेश्चन इज वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट. तो 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, फ्लोर मींस मैदा, तो 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट. तो ये फैट हम लोग का बॉडी का फैट नहीं बोल रहे, दैट विल बी योर फैट मींस ये जो हम लोग यूज करते हैं बटर और समथिंग लाइक ऑयल जो हम लोग केक बनाते समय यूज करते हैं, तो उसके बारे में बोला है. तो वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 15 ग्राम ऑफ फैट. तो ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मतलब एक केक बनाने के लिए हमको मेटेरियल का जरूरत है. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 केजी ऑफ फ्लोर एंड 1 केजी ऑफ फैट. तो ये दिस पार्ट इज योर रिक्वायरिंग फाइंड द, अगर ये ढूंढने के लिए बोला है दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन पार्ट. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए है.
अब इस पूरे क्वेश्चन में, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों का एटलीस्ट दिस, एटलीस्ट विटामिन ए 8 यूनिट्स, एटलीस्ट विटामिन सी 10 यूनिट्स, तो वैसा एक क्वांटिटी मेरे को हमेशा चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। बट इन दिस क्वेश्चन एटलीस्ट एट द मोस्ट मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट गिवन, वो वैल्यू मेरे को दिया नहीं, बट वो दिया है इन इनडायरेक्ट फॉर्म। कैसे? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 केजी ऑफ फ्लोर एंड 1 केजी ऑफ फैट। मतलब आपके पास में जो फ्लोर है वो है आपका टोटल 5 केजी, तो मतलब मैं 5 केजी से ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू इज 5 केजी। सो ये मैक्सिमम फ्लोर अवेलेबल टू 5 केजी, बट यू कैन सी इन दिस दे आर एवरीथिंग आर इन ग्राम, तो ये ग्राम में है, सो चेंज इट हियर 5000 ग्राम एंड मैक्सिमम फैट अवेलेबल इज इक्वल टू 1 केजी और दैट इज 1000 ग्राम। मतलब हर क्वेश्चन में किसी ना किसी चीज का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इज मस्ट, वो होगा ही वहां पे, उसको आपको ढूंढना है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया था, अदरवाइज इन ऑल द क्वेश्चंस यू विल फाइंड दिस मिनिमम ऑफ दिस वन, मैक्सिमम ऑफ दिस वन, एटलीस्ट दिस वन, एटमोस्ट दिस वन, सो यू कैन आइडेंटिफाई इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन सिलेक्शन का कारण ही ये था, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो विदाउट राइटिंग मिनिमम और मैक्सिमम स्टिल यू हैव they can we can say give you data in this form also, matlab wo bina usko minimum maximum use karte samay bhi they can give this data indirectly to you, so maximum flow available 5 kg, maximum fat available 1000 gram, 5000 gram 1000 gram। to ab yahan pe hum log kya kya sun rahe hain, flow, because to find which one should I take as एक्स एंड वाई, तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे को यहां पे क्या है, फ्लोर फैट वन काइंड ऑफ केक, लेट इट बी केक वन एंड केक टू। सो यू आर लिसनिंग दीज फोर थिंग्स, फ्लोर फैट केक वन केक टू। अब आपको ढूंढना है कि इस क्वेश्चन में किसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्लो, मैक्सिमम फैट, मतलब इन दोनों का मेरे को दिया हुआ है, किसका नहीं दिया है, केक वन एंड केक टू, जिसका नहीं दिया दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्स एंड वाई, सो दैट विल बी एक्स, दिस विल बी विल टेक वाई। तो एक्स एंड वाई क्या था मेरा, एक्स एंड वाई था ऑलवेज क्वांटिटी, तो इट कैन बी इन केजी, इट कैन बी इन ग्राम, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप ये देखिए लास्ट लाइन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ केक्स, तो यहां नंबर ऑफ केक, क्योंकि वन काइंड ऑफ केक, एक केक का मेरे को यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है, सेकंड केक का इंफॉर्मेशन दिया, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटीज एक्स एंड वाई विल बी नंबर्स, सो लेट एक्स नंबर ऑफ केक वन एंड वाई नंबर ऑफ केक टू आर मेड, लेट एक्स नंबर ऑफ केक वन एंड वाई नंबर ऑफ केक टू आर मेड। नाउ मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक ए टेबल, और इस टेबल में हाउ आई विल मेक कॉलम्स, कॉलम के साथ जिसका एक्स और वाई था, सो केक वन एंड केक टू, सो केक वन एक्स नंबर्स, केक टू वाई नंबर्स,
चीज करना होगा एंड डेट विल बी क्या क्या इंफॉर्मेशन है. सो केक वन का इंफॉर्मेशन है फ्लोर एंड फैट, डेट विल बी फ्लोर एंड फैट. सो देर इज एक्स नंबर ऑफ फ्लोर कितना चाहिए मेरे को फर्स्ट केक बनाने के लिए 200 ग्राम एंड फैट कितना चाहिए 25 ग्राम. केक टू में कितना होगा 100 ग्राम एंड 50 ग्राम. और केक वन और केक टू का कोई सेपरेट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया. सो इस टेबल में इतना ही इंफॉर्मेशन होगा. अब मेरे को किसका टेबल बनाना है किसका इक्वेशन बनाना है दैट विल बी ऑलवेज जिसका मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है. दैट मींस वन फॉर फ्लोर वन फॉर फैट लेकिन उससे पहले क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आपको हमेशा यूज करना है. फ्लोर कितना तो फ्लोर का इक्वेशन एक साथ बनेगा. तो फ्लोर वाला लाइन आप एक साथ देखिए 200 एक्स नंबर एक केक के लिए 200 ग्राम तो एक्स केक के लिए 200 एक्स प्लस 100 वाई क्या होना चाहिए मैक्सिमम विल बी 5 केजी मतलब इसका वैल्यू 5 केजी से कम या इक्वल 5000 ग्राम. और इसको यू कैन सिंप्लीफाई डिवाइडिंग बाय 100 तो 100 से डिवाइड करके ये 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50 फैट 25 x प्लस 50 वाई लेस देन इक्वल टू 1000 तो इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर सकते हैं डिवाइडिंग बाय 25 आपको सिंप्लीफाई करना है यू कैन डू इट योरसेल्फ. तो मैं सिंप्लीफाई करके 25 से डिवाइड करने से बन जाएगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 25 40. So this is one equation, linear inequality, linear constant, this one is the second and this one is the third. That is present in every linear programming. और ये दो है आपका जिससे equation बनाना है. Now one more thing we have to write, that is the objective function. तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाना है तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है मेरे को क्वेश्चन में देखना है कि किसका वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकालने दिया. तो मिनिमम निकालने दिया तो मिनिमाइज व्हाट टू मिनिमाइज नंबर ऑफ केक्स एन जेड लिखो एन लिखो दैट डिपेंड्स ऑन यू. सो नंबर ऑफ केक्स इतना है बिकॉज वी प्रिपेयर्ड एक्स नंबर ऑफ केक वन एंड वाई नंबर ऑफ केक टू. सो हाउ मेनी टोटल केक्स आर मेड एक्स प्लस वाई टोटल केक वन एक्स था केक टू वाई था सो टोटल केक हो गया एक्स प्लस वाई. सो दैट इज योर
ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ग्राफिंग पार्ट यू डू इट योरसेल्फ. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू सम मोर प्रॉब्लम, आई विल डिस्कस वन और टू मोर प्रॉब्लम एंड देन आई विल शो यू वन प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एंड ट्रांसपोर्टेशन वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बट दैट इज इजी है. सो वंस यू नो हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू मेक दिस टेबल, दिस पार्ट विल बी इजी. तो ये इजी होगा एंड दिस कंटेन्स 6 मार्क. सो मेकिंग दिस इक्वेशन करेक्ट, मेकिंग द ग्राफ करेक्ट, यू विल गेट 6 मार्क फॉर श्योर. सो थैंक यू फॉर टुडे. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन. थैंक यू.